नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। कहते हैं कि किसी झूठ को अगर आप सच साबित करना चाहते हैं तो उसे लगातार बार बार इतनी बार दावे के साथ बोलिए कि सुनने वाले को वही सच लगने लगे। किसी की सोच बदलने या फिर उसे प्रभावित करने का एक बड़ा ही प्रभावी और आसान तरीका होता है नैरेटिव सेट करना। मतलब कि आप जिसके प्रति लोगों की जैसी राय बनाना चाहते हैं उससे जुड़े वैसे ही मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा को चीख चीख कर प्रचारित कीजिए और लोगों के मन में उसकी वैसी ही छवि गढ़ने की कोशिश कीजिए। कुछ ऐसा ही हमारे देश का विपक्ष बीते 9 सालों से कर रहा है। कोशिश प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ एक ऐसा नैरेटिव सेट करने की जिससे लोगों के दिमाग में उनकी एक नेगेटिव इमेज गढ़ी जा सके। हालांकि इस नैरेटिव के सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक ही होती हैं, तथ्यों से इनका कोई लेना देना नहीं होता। अब ये तो आप भी जानते हैं कि 2014 के बाद से ही पीएम मोदी को हराना विपक्ष का एकमात्र लक्ष्य है। इसके लिए विपक्ष अलग अलग स्तर पर मोदी की इमेज डैमेज करने के लिए तमाम तरह के नैरेटिव गढ़ता आया है। शुरुआत वक्त में ज्यादा पीछे न जाते हुए करते हैं। पीएम मोदी के खिलाफ एक जुमले का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है कि उनकी सरकार अडानी अंबानी की सरकार है, सूट बूट की सरकार है। खास तौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी को आपने इन बातों के जरिए पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए देखा होगा। जबकि सच ये है कि अडानी हो या अंबानी, ये सभी 2014 से पहले भी अमीर ही थे। उद्योगपतियों की ओर से निवेश सबको चाहिए होता है। राहुल गांधी की यही कांग्रेस जो मोदी के खिलाफ अडानी अंबानी वाला नैरेटिव सेट करती है, वही कांग्रेस राजस्थान में अडानी के लिए रेड कार्पेट भी बिछाती है। इसके अलावा अभी हाल ही में अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के बयान से ये साफ हो गया कि किस तरह नरेंद्र मोदी को हराने के लिए नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी को रास्ते से हटाने के लिए एक पावरफुल लॉबी काम कर रही है। दुनिया के जिस भी कोने में पूर्ण बहुमत वाली सरकार होती है उसे कमजोर करने के लिए कुछ विदेशी ताकतें हाथ मिलाती हैं। जॉर्ज सोरोस भी उन्हीं ताकतों का एक चेहरा है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भी विपक्ष के नैरेटिव वेपन का ही हिस्सा थी। इसके पीछे कोशिश थी अभिव्यक्ति की आजादी के बहाने 2002 के गुजरात दंगों के जख्म ताजा करके मोदी के खिलाफ माहौल तैयार करना, और वो भी खास तौर पर मुस्लिम मतदाताओं के मन में। राहुल गांधी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राफेल को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया था। आपको भी याद होगा मोदी के खिलाफ नैरेटिव फैलाया गया चौकीदार चोर है, लेकिन इसमें उन्हें असफलता ही हाथ लगी क्योंकि वोटर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके चौकीदार चोर है के नारे को खारिज कर दिया। इस बार 2024 के चुनावों के लिए राहुल गांधी ने एक नया चुनावी मुद्दा चुना है जिसका नाम है अडानी। साल 2019 और अब 2024 में राहुल गांधी की कोशिश वही है, नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार या फिर पक्षपात के कुछ दाग लगाने की। हालांकि राहुल गांधी बीजेपी इस मोर्चे पर राहुल गांधी पर हमला करने के लिए तैयार है और उन्हें राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को अडानी समूह के साथ अपने सभी निवेश संबंधों को खत्म करने का निर्देश देने की चुनौती भी दे रही है। ऐसा ही एक और नैरेटिव राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे विपक्षी नेताओं की तरफ से फैलाया गया था, और ये बात है कोरोना काल की। कोविड वैक्सीन और कोरोना मैनेजमेंट को लेकर इस नैरेटिव को फैलाया गया। भारत आज, जैसा कि आप सब जानते हैं, बिना किसी देश से कोविड वैक्सीन मंगवाए 220 करोड़ से भी ज़्यादा डोज लगाकर अपनी आधी से ज़्यादा आबादी को पहले से ही सुरक्षित कर चुका है। लेकिन जब ये वैक्सीन बनाई जा रही थी उस वक्त विपक्ष ने इसका विरोध किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया था कि जिस रफ्तार से वैक्सीन लगाई जा रही है हमें पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने में कई दशक लग जाएंगे, जबकि तथ्य आपके सामने हैं। इसके अलावा साल 2015 में लिंचिंग से लेकर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और फिर 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत सेना से मांगे गए और मोदी सरकार के खिलाफ फेक नैरेटिव फैलाने की तमाम कोशिशें विपक्ष की तरफ से की गईं। लेकिन देश की जनता ने 2 बार प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा जताकर उन्हें और ज़्यादा बम्पर बढ़त के साथ सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया। मोदी विरोधियों का हर दांव उन पर उल्टा ही पड़ता है। ईवीएम को लेकर फेक नैरेटिव फैलाया गया कि बटन कोई भी दबाओ वोट बीजेपी को ही जाता है, लेकिन जब चुनाव आयोग ने हैकाथॉन आयोजित किया और राजनीतिक दलों को चुनौती दी और ये उनसे कहा कि हमें ईवीएम हैक करके दिखाइए, तो
तो सभी विपक्षी दल मुंह छुपाकर बैठ गए, एक भी दल नहीं पहुंचा। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग की तथ्य परक जांच भी विपक्ष के फेक नैरेटिव मैकेनिज्म से बच नहीं पाई। नेशनल हेराल्ड और दिल्ली शराब घोटाला जैसे मामलों में जांच करने वाली सीबीआई और ईडी पर सरकार के इशारों पर काम करने के आरोप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगाती है। हाल ही में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद तो अरविंद केजरीवाल ने खुलकर जांच एजेंसियों और पीएम मोदी के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई करने की बात कहकर जमकर बयानबाजी की। लेकिन शराब घोटाले से जुड़े टेक्निकल सवालों का जवाब न तो मनीष सिसोदिया के पास है और न ही अरविंद केजरीवाल के पास। मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड के नतीजे सामने आ चुके हैं। इसके बाद 6 राज्यों में भी अभी इस साल चुनाव होने वाले हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव के समर में पता चल जाएगा कि जनता विपक्ष के फेक नैरेटिव पर भरोसा जताती है या पीएम मोदी के काम पर। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं की तरफ से फैलाए जाने वाले फेक नैरेटिव्स को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।